कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने ही पुराने वीडियो देख रही थी और उसमें एक बहुत ही सुंदर वीडियो मेरे सामने आया, जो पूज्य गुरुजी की कथा द्वारा सुनकर ही मैंने बनाया था। और उस पर आप यकीन मानिए, निकाल कर देखिएगा अभी, उस पर 3 घंटे में 75,000 व्यूज़ आ गए थे और वीडियो एकदम सत्य, यानी उसका बड़ा आश्चर्य है कि वह कैसे हो सकता है, वह घटना हो ही नहीं सकती, हम नहीं मान सकते। लेकिन गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था और वैसा कि वैसा ही मैंने अपने वीडियो में बताया था। अब मैं फिर से वही आपको बताने जा रही हूँ। आपको कभी लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे हैं? और एक बार तो हमारे जीवन में हम सभी को ऐसा एहसास हुआ ही होगा, क्योंकि हम जो कामना करते हैं, हमारी जो मनोकामना होती है, यदि हम भगवान से विनती करते हैं और वह समय पर पूरी नहीं हो पाती है, तो हमें ऐसा ही लगने लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। यदि आपके मन में भी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने बिल्कुल आपसे मुंह फेर लिया है, आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो एक कार्य अवश्य कर देखना। आप देखना, आपके समक्ष महादेव उपस्थित हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गुरुदेव ने शिव महापुराण में कथा में व्यासपीठ पर से ये उपाय बताया था और सीधे यही कहा था कि आप साक्षात दर्शन करना चाहते हैं महादेव के, तो आप यह उपाय अवश्य करें। और बहुत ही सरल उपाय है, आप एक जल का कलश लेकर महादेव के मंदिर जाएं, शिवालय जाएं। और इसके लिए कोई दिन तय नहीं है, कब से आपको शुरू करना है, क्या कैसे करना है, बस बहुत ही सिंपल उपाय है। एक जल का कलश लेकर आप मंदिर जाएं और आप अशोक सुंदरी जहाँ विराजमान होती है भोलेनाथ की सबसे छोटी बिटिया, वहाँ थोड़ा सा जल समर्पित करें, कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करें, पार्वती मैया के जो हस्त कमल है वहाँ समर्पित करें, गणेश जी के स्थान पर समर्पित करें, नंदी बाबा को भी जल समर्पित करें, लेकिन सिर्फ शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करें। आपने एक दिन किया, दो दिन किया, तीन दिन किया, लगातार 15 दिन कर देखें, आपको महादेव स्वयं स्वप्न में दर्शन देंगे। क्योंकि यहाँ कहते हैं कि महादेव साक्षात आपकी सुनने वाले, और देवों के देव महादेव सबके कष्ट काटने वाले होते हैं। आप थोड़ी सी भी अर्जी लगाते हैं, यदि महादेव के मंदिर जाके जल भी समर्पित करते हैं, तो महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यदि 15 दिन तक आपने लगातार ऐसा लगा कि महादेव को खुद को ऐसा लगने लगेगा कि ये मुझे क्यों नहीं जल समर्पित कर रही, शिवलिंग पर जल क्यों नहीं समर्पित कर रही है, और सभी आपने गणेश जी के स्थान पर किया, अशोक सुंदरी के स्थान पर किया, कार्तिकेय के स्थान पर किया, माँ पार्वती के हस्त कमल पर किया, नंदी बाबा को जल चढ़ाया और सिर्फ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया, तो आपको अवश्य भोलेनाथ स्वप्न में दर्शन देकर पूछेंगे कि क्या हुआ। कर देखें, एक बार आजमा के अवश्य देखें, क्योंकि गुरुदेव ने बताया है तो उसमें सच्चाई तो होनी ही है। आप पर और आपके परिवार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।